नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आपके साथ आशुतोष आनंद। इन दिनों चाचा भतीजा का जोड़ी जो है सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। सात समंदर के गाने पर डांस जो किया है तो सात समंदर पार लोग देख रहे हैं और खूब प्रशंसा कर रहे हैं। और भूल भुलैया डांस पर जो इन्होंने भूल भुलैया गाने पर जो इन्होंने डांस किया, किसी को भूलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे चाचा और भतीजा हमारे साथ हैं, रामगढ़ के भुरकुंडा में हैं। और भुरकुंडा से ये दोनों चाचा भतीजा जो है वायरल हुए। खासकर ये छोटा देख सकते हैं, एक मेरे पास चेतन है, छोटा चेतन, क्या नाम है? लायन पॉप। अब साहब नाम से ही जान सकते हैं लायन, किस तरह झपट्टा मार के जो है लोगों के दिल में जो है वो बास कर रहा है। कैसे डांस सीख रहे हो और कैसे कर रहे हो? कौन सिखाता है डांस? मेरा चाचू। चाचू डांस सिखाता है? हाँ। और तुम डांस करते हो? हाँ। अच्छा, कहाँ कहाँ अभी तक डांस किया है? घुतुआ में, फिर रांची में, फिर नामगढ़ में। रामगढ़ में प्राइज मिला है कहीं? नहीं मिला। झारखंड गोट टैलेंट में सेकंड विनर है। अच्छा, झारखंड गोट टैलेंट में सेकंड विनर भी बच्चा बता रहा है। आगे क्या करना है? स्टार बनना है। स्टार बनना है, तो सोचिए ये छोटा सा बच्चा जो आगे स्टार बनने का सपना लेकर चला है। और बेहतरीन डांस मूव है, इसके डांस मूव को देखेगा तो आपका भी दिल कहेगा कि बच्चा कमाल का है। बाकी वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चा जो डांस करता है। और ये चाचा जी हैं, चाचा भतीजा का जोड़ी पूरा वायरल हो रहा है, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं पब्लिक को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे सोशल मीडिया में सपोर्ट किया, आप लोगों ने हमारा वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियो को शेयर किया। सो दिल से थैंक यू सो मच कहता हूँ, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। कहाँ से आपने डांस सीखा? मैं खुद से ही डांस सीखा हूँ, बड़े बड़े स्टार को देख देख के इंस्पिरेशन मिला है मेरे को सोशल मीडिया से। तो देखिए ये है सोशल मीडिया का कमाल है, सोशल मीडिया से वायरल होते हैं फिर सोशल मीडिया से डांस भी सीखते हैं। और कहीं गुरु के पास क्यों नहीं गए, कहीं कोई इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं ज्वाइन किया? उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं हार्ड वर्किंग जैसे मजदूरी करता हूँ, जिसमें मेरे को कुछ पैसे बढ़ा के दिया जाता है, उस पैसे से मैं घर चलाता हूँ और अपना डांस को बरकरार रखता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि लेवरी करके जो है ये बच्चे को डांस भी सिखा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं। और कोई बच्चा डांस सीखने भी आता है आपके पास? सब इग्नोर करते हैं, जब तक प्रूफ ना करो तब तक यकीन नहीं होता किसी को, सब गलत नजरिया से देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि डांस करना एक ये क्या बोलता है गलत कार्य है। तो जब तक सक्सेस ना हो तब तक लोग आपको अलग नजरिया से देखते हैं कि ये डांसर है, ये जहां तहां करता है। अच्छा, ये बच्चा वायरल हुआ और डांस बहुत अच्छा कर रहा है, कभी कोई नहीं कहा कि बच्चा को चाचा जो है बर्बाद कर रहा है डांस सिखा के? इंसान पब्लिक तो कोई जब अच्छा काम करता है ना तो उसको गिराने के लिए बहुत कोई ताना मारते हैं, क्योंकि एक कहावत है सीधा बांस को ही काटा जाता है, टेढ़ा बांस को तो कोई काम ही नहीं। तो वही बात है, जो अच्छा कार्य करते हैं उस पे उंगलियां उठा जाता है, जो गलत समाज से लोग तिरस्कार करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। अगर उन लोगों के जैसा गलत बिहेवियर करेंगे तो हम लोगों को मान सम्मान मिलेगा, बट हम लोग कुछ अलग करते हैं तो उसमें वैल्यू नहीं मिलता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गरीब लड़का आगे बढ़े। मतलब लोग कहते हैं कि डांस करा के जो है चाचा जो भतीजा को बर्बाद कर रहा है, ऐसा तो कोई नहीं कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो देखिए ये दोनों वायरल हैं और छोटा बच्चा जो है धूम मचा रहा है इन दोनों सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया से जो है आज वायरल होकर यहाँ तक पहुंचे। इनके डांस मूव को आप देखिए और यकीन मानिए कि सोशल मीडिया का ताकत इन दिनों जो है तेजी से उभर कर सामने आ रहा। सोशल मीडिया से लोग बहुत कुछ सीखते हैं, फिर उस पर काम करते हैं और वायरल होते हैं और पैसे भी कमाते हैं। और एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। तो आप आज के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं है, शिद्दत से अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको उसमें मुकाम हासिल होता है, लेकिन पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। तो बने रहे हमारे साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए, देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़।